हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आसान तरीके से आलू अंडा मसाला बनाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो में नए हो तो चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमने अंडा को बॉईल करने के लिए बिठा दिए हैं, ढेर सारा अंडा नमक डाल के। पानी में नमक डाल दीजिए, फिर उसको बॉईल करने के लिए बिठा दीजिए। और यहाँ ये जो मसाला है, अदरक लहसुन टमाटर प्याज, इसको हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। अदरक लहसुन टमाटर प्याज को हम मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए, अच्छे से बनाइए आलू अंडा मसाला। ये हमने अदरक लहसुन प्याज टमाटर का पेस्ट बना लिए हैं। जिसको खाना बनाना नहीं आता है वो भी बना लेगा, इतना आसान तरीके से बताऊंगी। इसमें हम थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करेंगे, ये लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, ये टीस्पून है, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच मैं ली हूँ, और ये जीरा पाउडर डालेंगे, दो स्पून डालेंगे। मेरा क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मसाला डाल रही हूँ। 10 अंडा मैं बनाऊँगी, उसी का क्वांटिटी मैं बता रही हूँ, उसी हिसाब से आप अपना अंदाज लगा लीजिए। ये हल्दी पाउडर डाले हैं और ये नमक, 2 चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है। हमने अंडा को नमक डाल के बॉईल किए थे, और ये हरी मिर्च चीरा लगा के हमने इसी में डाल देनी है। फिर इसका हम एक ठो पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका, झटपट बन जाता है। जो बनाना नहीं जानता है वो भी बना लेगा, इतना आसान तरीके से मैं बताऊंगी अंडा मसाला, आलू अंडा मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। इसका हम पेस्ट बना लेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको ऐसे पेस्ट बना के छोड़ देंगे ताकि ये सारा मसाला फूल जाए। ये देखिए हमने पेस्ट बना लिए हैं और इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये सारा अंडा बॉईल हो गया है, इसको हम छील के ले आए हैं, और फिर इसका कट लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए और अंडा फूटे नहीं। नमक डाल के बॉईल करने से सारा अंडा एकदम अच्छी तरह से बॉईल हो जाता है और ये फूटता नहीं है। ये हमने सारे अंडा का कट लगा लेंगे। फिर ये तेल गरम करने के लिए बिठा दिए हैं, ये है आपका मस्टर्ड ऑयल है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल से ही बनाती हूँ, आप रिफाइन ऑयल से बना सकते हो। इसमें हम अंडा को फ्राई करेंगे, ये हमने एग फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करें, ज़्यादा अंडा इकट्ठा मत डालें। अंडा में थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे ताकि अंडा फ्राई करते वक्त थोड़ा हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसको हम थोड़ा थोड़ा हल्दी डाल के फ्राई कर लेंगे, बहुत ही अच्छा कलर आता है अंडे में। ये एक तो ट्रिप्स है, आप इसी हिसाब से इसी तरह से करें तो बहुत ही दिखने में बहुत ही सुंदर दिखेगा और खाने में तो बहुत ही अच्छा। ये मसाला फूल गया है, ये दोनों मसाला हम मिला लेंगे। ये अदरक लहसुन प्याज टमाटर का जो पेस्ट है उसको हम ये जो सूखा मसाला हमने भिगो के रखे थे उसमें डाल के मिला लेंगे, इकट्ठा मिला लेंगे। बहुत ही इंस्टेंट झटपट, एकदम आसान तरीके से बताऊंगी। आप पूरा वीडियो देखें और अच्छे से बनाएं। ये हमने जीरा छौंक लगाए हैं, साबुत जीरा डाल दिए हैं। फिर इसमें ये अच्छे से चटक जाएगा तो हम वो जो पेस्ट सारा पेस्ट इकट्ठा करके रखे हैं उसको डाल दें। ये देखिए अंडा को हमने हल्दी डाल के फ्राई किए हैं, कितना सुंदर कलर आया है। अभी हम इसमें ये मसाला डाल देंगे, सारा मसाला डाल के अच्छे से भुनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुनेगा ग्रेवी उतना अच्छा बनेगा, खाने में उतना टेस्ट आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बन जाएगा। आसान तरीका, एकदम आसान तरीके से बताऊंगी मैं, जो तरीका बता रही हूँ बहुत ही आसान। मेरे चैनल में हर चीज़ इंस्टेंट जैसे बन जाए,
उसी तरीके से मैं बनाती हूँ ताकि आपका कोई झंझट ना हो, एकदम इजी तरीके से आप बना पाओ। मेरे सारे प्यारे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। ये बॉईल किया हुआ पोटैटो, मैं हमेशा बॉईल किया हुआ पोटैटो डालती हूँ ताकि सब्ज़ी झटपट बन जाए। पोटैटो को बॉईल किया हूँ और इसको कट करके फिर मसाले में डाल दी हूँ। आप भी इसी तरह करें, झटपट बन जाएगा। पोटैटो बॉईल करके आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो, रख दीजिए बॉईल करके, फिर कट कर कीजिए और सब्ज़ी में डालें। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ग्रेवी एकदम सूखा सूखा रहेगा। हम मसाला आलू अंडा बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं। फिर हम ये अंडा डाल देंगे, हल्दी डाल के अंडा को फ्राई करने से बहुत ही अच्छा कलर आता है अंडे में, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। फिर अच्छे से मिला लेंगे और अंडा है उसको भी डालेंगे। मैं 10 अंडे का क्वांटिटी बताई हूँ, आप अपने हिसाब से बनाएं। ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है देखिए, हर चीज़ दिखने में इतना सुंदर लग रहा है, खाने में उसे भी अच्छा, झटपट बन जाता है झटपट। आलू को भी हमने नमक डाल के बॉईल किए थे, आप भी उसको नमक डाल के बॉईल करें, अंडा को भी नमक डाल के बॉईल करें, झटपट बन जाता है। देखिए उबाल आ गया है, अभी हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला डाल दीजिए, फिर अच्छे से इसको मिला लीजिए, झटपट बन जाता है आलू अंडा मसाला। देखिए कितना इजी तरीके से बताई हूँ, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता। आप भी इसी तरह इतना मेरी मैं जैसे बता रही हूँ उसी तरह से कीजिए, फिर वाह वाह लुटिए, जो भी खाएगा वो उंगली चाटते रह जाएगा। और थोड़ा हरा धनिया काट के डाल देंगे, अच्छे से मिला लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा तैयार आपका आलू अंडा मसाला, एकदम टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। एक बार बनाने का रिक्वेस्ट रहा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मेरे सारे प्यारे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तैयार, दिखने में कितना सुंदर, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा। ग्रेवी देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है, खाने में और भी टेस्टी। एक बार बनाने का रिक्वेस्ट रहा, मेरे सारे प्यारे दोस्त इसी तरह बनाए आलू अंडा मसाला, बहुत ही टेस्टी। अगले एपिसोड में नया रेसिपी लेके आ जाऊंगी। तैयार, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, रोटी चावल, बहुत ही टेस्टी। एक बार बनाए, वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अच्छे से बनाएं, आसान तरीके से अंडा आलू मसाला। तब तक के लिए बाय।